बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने बयानों के जरिए मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ जमकर बोलते रहते हैं और कई बार तो मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कई बड़े बड़े सच भी बताए हैं। लेकिन इस बार तो स्वामी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पीएम मोदी की डिनर पार्टी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्वामी ने भारत और पाकिस्तान के व्यापार बहाली को देखते हुए ट्वीट किया और कश्मीर पर सरेंडर लिखा। उसके बाद गुड बॉय पीओके। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा कि जल्द ही पीएम मोदी और इमरान खान लंदन में डिनर पार्टी करने वाले हैं। दरअसल स्वामी ने ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि मोदी सरकार ने ये पहल की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से व्यापार शुरू किया जाए। वहीं पाकिस्तान ने अभी सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वाकई में ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है कि कुछ समय पहले मोदी सरकार ने पूरी तरह से पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लिया था और यहाँ तक कि कोई व्यापार भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार दोबारा से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है और व्यापार को चालू करवाने के लिए बात कर रही है। इसे कहते हैं असली राजनीति मोदी स्टाइल में। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।